हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। सो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आपका टीईटी डिटेल एनालिसिस के ऊपर। तो काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस और क्वेरीज पूछे जा रहे थे कि हमें कैसे किस प्रकार से जो है टीईटी का अप्रोच रखना चाहिए, व्हाट शुड बी रिटन, व्हाट शुड नॉट बी रिटन, क्या डायरेक्शन होना चाहिए, एक्शंस किस हिसाब से हमें लिखनी है, क्या रियल लाइफ स्टोरीज लिखनी है, क्या कुक्ड अप स्टोरीज लिखनी है, क्या है वो एक्चुअली टीईटी में देखना क्या चाह रहे हैं। सो ऑल ऑफ इट will be discussed in this particular video, so please do watch till the last, क्योंकि काफ़ी information मैं share करने वाला हूँ which you might just miss अगर आप skip करते हैं तो। So without further delay start करते हैं, and all of you who have not subscribed yet, so please आप जो है subscribe कीजिए to get the latest notification. Now this is the TAT picture first of all, तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी देख रहे हो आप एक पॉज कीजिए इस वीडियो को, ऑब्जर्व इट फॉर 30 सेकेंड्स एंड राइट योर स्टोरी एज यू वुड नॉर्मली डू इन द SSB और वट एवर कम्स टू योर माइंड, जैसे भी आप लिखना चाह रहे हैं, एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो बेसिकली फॉर दिस वीडियो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई हैव टेकन रियल लाइफ स्टोरीज फ्रॉम कैंडिडेट्स हु हैव गिवन मी द स्टोरी। तो लेट्स नेम देम कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी, एंड देन वील सी कि बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स हाउ हैव दे परफॉर्म, और उनकी जो TAT की पिक्चर है हाउ दे हैव परसीव्ड एंड हाउ हैव दे रिटन। ओके, सो विल बेसिकली बी कंपेयरिंग एंड देन आई विल टेल यू कि कहाँ पे ये इम्प्रूव कर सकते थे। सो आई होप यू हैव रिटन डाउन। नाउ लेट अस कम टू स्टोरी फ्रॉम कैंडिडेट ए। सो कैंडिडेट ए ने यहाँ पे स्टोरी लिखी है, विष्णु इज अ पुलिस इंस्पेक्टर इन सासाराम बिहार, ही वॉज डिस्कसिंग विद हिज कलीग अबाउट थीप्स इशू इन वन कॉलोनी ऑफ सासाराम। वंस ही कंप्लेंड फ्रॉम अ लेडी अबाउट स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम हर होम, firstly he kept calm. Now notice these words, right, wherever I am marking, notice these words, jahan pe yahan pe inhone likha hai, hold on, right, so notice these words, firstly he kept calm, right, then he wrote complaint against thief, then after he held meeting with colleagues and made consent about creating three groups and all jo bhi hai yahan pe. So first of all यहाँ पे इनिशियल लाइंस में हम पहले डिस्कस करेंगे, विल कम लेटर ऑन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। यहाँ पे ही इज डिस्कसिंग विद हिज कलीग अबाउट थीप्स इशू, सो हेयर इट इज अंडरस्टूड दैट विष्णु इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इंसिडेंट कि ऐसा होता है। नाउ ही गेट्स कंप्लेंट फ्रॉम अ लेडी अगेन एंड देन ही राइट्स कंप्लेंट अगेंस्ट द थीप। नाउ व्हाट डज इट शो, आपको पहले से ही चीज पता है बट आपको कंप्लेंट मिल रही है वो, उसके बाद यू आर राइटिंग अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट थीफ एंड देन आप एक्शंस ले रहे हो। सो दिस इन टर्न शोज दैट कुछ चीज गलत है एक्चुअली, इन द सेंस दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम बट यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शंस अनलेस एंड अंटिल समवन कम्स अप एंड फाइल्स अ पर्टिकुलर कंप्लेंट रिगार्डिंग दैट। ओके, सो दिस इज द इशू दैट here candidate A has basically written. After that he made three groups and all for catching thief, one for patrolling, and he has tried to show up his organizing and that skill, that is pretty much evident. Second one, to consult the people and provide police helpline number 24/7. Now this is again very a superficial kind of a thing ki aap yahan pe हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर रहे हो, एवरी वन नोज हेल्पलाइन नंबर इज 100, कोई भी डायल करेगा एंड विल बी रीडायरेक्टेड टू द लोकल पुलिस स्टेशन, सो देर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोवाइडिंग अगेन अ हेल्पलाइन नंबर एंड ऑल। ओके, थर्ड वन, टू ऑब्जर्व द थिंग्स एंड इम्प्लीमेंटेड ऑल हिज प्लान्स एंड ऑब्जर्व थिंग्स, सो इजंट इट द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू नॉर्मली ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग दैट इज नॉर्मली हैपनिंग इन द सोसाइटी। आई मीन देर इज नो पॉइंट अगेन trying saying ki wo observe karta hai and then he implemented all his plans and everything. So this seems to be a very good story, but if you go line by line you will find ki he has tried to put up this thing, he is trying to impress the psych basically, that dekh lo mere mein ye cheeze hain, like all these lines, firstly he kept calm, what are you trying to show actually to the psych ki aap kaam rehte ho, that would have been evident agar aap normally bhi likhte that he did his work and everything, ये आपके action से justify होता, so don't use adjectives firstly, okay? उसके बाद यहाँ पे आप लिखते हो कि in a home he was trying to steal and all,
and while patrolling police saw and surrounded and caught him. I mean this is kind of a Bollywood story that is going on कि आप अचानक से देखते हो वहाँ पे चोरी कर रहा है चोर मतलब इतना बेवकूफ है and then you just go and get nab of him and you know he reveals so many active thieves groups from that thief. I mean this is a very very cooked up story. This is a very superficial story. So this is what basically the interpretation from this story of candidate A what he has written will be, right? Although this is not a poor story, I would say this is kind of an average story, but then again some things here have been you know illogically defined and काफी चीजें मिसिंग हैं यहाँ पे, काफी लॉजिकल कनेक्शंस आर मिसिंग. सो द कैंडिडेट ए नीड्स टू वर्क अपॉन दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट यूजिंग एडजेक्टिव्स एंड ऑल. फाइन, सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन फ्रॉम स्टोरी ऑफ कैंडिडेट ए. सो नाउ बेसिकली विल बी मूविंग ऑन टू स्टोरी ऑफ कैंडिडेट बी एंड विल सी कि कैंडिडेट बी ने किस टाइप से हमारे यहाँ पे स्टोरी लिखी है. सो लेट अस सी द स्टोरी फ्रॉम कैंडिडेट बी. यहाँ पे व्हाट इज कैंडिडेट बी रिटन. कैंडिडेट बी ने क्या लिखा है यहाँ पे. कैंडिडेट बी हैज रिटन दैट माई मेन कैरेक्टर इज अथवन एंड हिज स्टोरी गोज लाइक दिस. ओके, अथवन वॉज अ पुलिस ऑफिसर वर्किंग इन दानापुर सिटी. ऑन अ रेगुलर डे ऑफ हिज वर्क ही गॉट अ रेगुलर कंप्लेंट ऑफ थीफ थ्रेट इन सदर्न पार्ट ऑफ सिटी एंड देन ही यू नो रश टू द प्लेस. ही इंक्वायर्ड द पीपल इन द एरिया जोन एंड कलेक्टेड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द थ्रेट इन सिटी. ही केम अपॉन अ आइडिया ऑफ मीटिंग द पीपल, डिस्ट्रीब्यूटेड द टोल फ्री नंबर एंड इन एडिशन ही मेड अ सेपरेट टीम फॉर पेट्रोलिंग इन नाइट रेगुलरली. He installed CCTV camera in street, watched out and caught the thief and made people to be aware. People thanked him for his needful help and all. Okay. Now we'll come on to basically the story here. So, what is wrong in this particular story? Now, firstly, he is a police officer. That is fine. Okay. On a regular day office, he gets a regular complaint of thief. That is also okay. He rushes to the place. That is also okay. He inquired and collected information up until this is all okay. Right. Now he is writing that he came upon an idea of meeting the people, distributed the toll-free number. Again, this is somewhat superficial that you suddenly get an idea of meeting people and distributed and all, right? You have your resources, you have a team entire, you have you know your agents. You get in touch and you inquire about that particular thing. Why do you need to you know? Have the idea of meeting the people and then distribute the toll-free numbers and all, right? Because anyway, people, if they come into notice, they'll obviously, you know, complain, put up a formal complaint and everything, right? So this is unnecessary. This is, I mean, wastage of resources and all, right? Then he addition made a separate team for patrolling in night regularly. So what does this show basically? Ki abhi tak aap patrolling night pe nahi kar rahe the. Right, so this is the duty of a normal police force. Agar aap wahan pe kaam kar rahe hain as a to ensure the safety of your city and the area that you're working, to wahan pe aap normally bhi agar koi dutiful insaan hoga to wahan pe he'll always patrol in night knowing the condition and all. Theek hai, he installed CCTV camera in street. Now this might sound very good, but then again aap thoda logically socho to this is normally not done like that. There is an entire procedure. CCTV camera ke liye he'll propose it and then it'll go to you know senior members and then they'll see it and approve it and then there'll be a budget for that. They'll allocate it and then they'll sanction and then you'll get the CCTV and all. So there is an entire procedure related to it. You don't install CCTV cameras just like that. Theek hai. Just take example of Delhi. Kejriwal, he was a CM and सारे इतने सब सीसीटीवी फिर भी नहीं कर पाया. ही इज मतलब कुछ एक एरिया कवर हुआ है बट फिर भी वो नहीं करवा पाया. तो यू आर टॉकिंग ऑफ इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास इन द स्ट्रीट्स एंड ऑल. आई मीन जस्ट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर. सो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल का एक इशू है. एंड कॉट द थीफ. आई मीन यू जस्ट यू नो गॉट कॉट होल्ड ऑफ द थीफ बाय जस्ट इंस्टॉलिंग सीसीटीवी कैमरास एंड यू नो डिस्ट्रीब्यूटिंग टोल फी नंबर्स एंड पेट्रोलिंग. नो माई फ्रेंड, दैट्स नॉट हाउ थिंग्स आर डन. ठीक है, यू रिक्वायर प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल एंड यू मेड पीपल पी टू बी अवे फियर एंड ऑल. आई मीन सो पीपल वेर इन फियर अप अंटिल दिस पर्टिकुलर ऑफ टाइम. पीपल थैंक देम फॉर हिज नीडफुल हेल्प. देन अगेन दिस इज अ रिवॉर्ड सीकिंग टेंडेंसी दैट यू नो पीपल आर थैंकिंग यू एंड ऑल. यू आर सीकिंग यू नो देयर थैंक्स एंड प्रेजल एंड ऑल. सो दिस इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन. मोर ओवर दिस इज अ लैक ऑफ एक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. ओके, विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड.
So basically, these are the problems that normally candidates write. So that is why I made a comparison from both story of candidate A and story of candidate B, and how basically they should be interpreting in this particular way. So I hope this gives a good clear picture as to how normally the TAT is to be written, all the do's and don'ts that I just mentioned. Fine. Now this is basically the psych test, which is basically, you know, considered one of the underrated tests. People don't bother and don't pay heed, a lot of heed to it. They just think, yeah, we'll just write it and we'll clear it. No, it is not like that. They end up writing problem, you know, they find problem in writing stories. They don't get proper ideas and all. They'll write irrelevant stories, okay, which are not nowhere related to the picture. Then they'll be a student who will not get any sort of idea. There'll be no idea generation and they'll be confused just like this. So this is the issue that we tackle this through this online psych assessment course, and we came upon this course. I've already given it earlier also, I've told this regarding, but then this will give you clarity, and this will, you know, declutter your mind firstly, which is very, very important and essential part. And talking about the course price, like, this is priced at a very minimal and a very pocket friendly price of just 299. And we are very proud to announce that Defense Info has produced its first recommendation, and she is Diksha Pandey. She enrolled in our psych assessment course as well. So a big congratulations from team Defense Info as well. And these are some of the testimonials to the, you know, work that we do. You can pause the video and you can go through the reviews as well. And more importantly, the contact details are given in the description as well as I'm covering it here. If you feel any sort of problem, if you have any sort of query, feel free to WhatsApp at this particular number or drop an email to defenseinfo2020@gmail.com. We'll ensure that your query is resolved. And if at all you have any sort of other problem or any sort of general problem, you can always comment down so that we can help you there also. Fine. So that was it for this particular part, and we'll discuss a lot more. And we'll be bringing a lot more content in upcoming few days. So till then, Jai Hind, keep preparing.